गाइस, डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी में बहुत सारे कैरेक्टर के कैमियोज होने वाले हैं, जिसमें सुपीरियर, आयरन मैन और रीड रिचर्ड का कैरेक्टर तो ऑलमोस्ट कन्फर्म है। पर अगर मैं कहूँ कि इस मूवी में घोस्ट राइडर का भी कैमियो हो सकता है तो फिर आप यकीन नहीं करोगे। वैसे ऐसा मैं नहीं बल्कि बहुत सारे सोर्सों ने कन्फर्म किया है कि घोस्ट राइडर का कैमियो हमें डॉक्टर स्ट्रेंज की इस मूवी में देखने को मिलेगा, जिस पर आज के इस वीडियो में बात करूँगा और साथ ही कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक पर भी डिस्कस करूँगा। जिस बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो फिर आप इसके लिए मेरे इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन उससे पहले मेरा एक रिक्वेस्ट बनेगा इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने का। तो अगर आप ऐसी डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी से रिलेटेड लीक्स और रिमर जानना चाहते हो तो फिर आप इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और जब सब्सक्राइब करने का मूड बन जाए तो फिर सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल भी कर देना, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल पाए, नहीं तो फिर सब्सक्राइब करने का भी कोई फ़ायदा नहीं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को टॉपिक पर बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर स्ट्रेंज के कुछ फंको पॉप के ऊपर बात करना चाहूँगा, क्योंकि रिसेंटली अमेजन यूके के प्लेटफॉर्म पे कुछ फंको पॉप डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी के बिक रहे थे, जिसे आप अभी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग मुझे ये पॉप लगा जिसमें सुप्रीम स्ट्रेंज है। तो अगर आप मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के ट्रेलर का ये सीन देखे होंगे जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज के एक वेरियंट का स्टैचू है, तो इसमें यह क्लियर नहीं हुआ था कि एक्चुअली में किसका स्टैचू है। मतलब डॉक्टर स्ट्रेंज का तो है ही, पर डॉक्टर स्ट्रेंज के किस वेरिएंट का? क्योंकि स्टैचू तो सिर्फ दो लोग ही बनवाते हैं, पहला जो अच्छा काम करके मर गया हो और दूसरा जो एविल हो और बस लोगों की तारीफ के लिए काम करता हो, बिल्कुल 2012 के लोकी जैसे। तो अब कहीं ना कहीं ये क्लियर हो चुका है कि सुप्रीम स्ट्रेंज का ही स्टैचू है, क्योंकि अगर आप स्टैचू को इस फंको पॉप से मिलाओगे तो दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, जिसमें अगर आप इन दोनों के हैंड को देखोगे तो दोनों का स्टाइल बिल्कुल सेम ही है, और चेस्ट पे ये बना हुआ लोगो भी और इवन ये बेल्ट भी। तो इसमें कोई शक नहीं कि दोनों सेम ही है, तो यह स्टैचू सुप्रीम स्ट्रेंज का ही है जो हमें डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के ट्रेलर के एंड में देखने को मिला था, जो मे बी इल्यूमिनाटी ग्रुप के मेंबर के साथ काम करता हो। और जब डॉक्टर स्ट्रेंज इस सीन के बाद इल्यूमिनाटी ग्रुप के हेडक्वार्टर में पेश किए जाएंगे तो फिर वहीं पर डॉक्टर स्ट्रेंज और मास्टर मॉर्डो के बीच थोड़ा सा फाइट होगा, इसके जस्ट बाद ही वांडा इस वाले यूनिवर्स में आ जाएगी। और ये चीज़ आप इस सीन में भी नोटिस कर सकते हो, जिसमें जब मास्टर मॉर्डो डॉक्टर स्ट्रेंज पर अटैक करते हैं तो आप ब्लास्ट लाइटनिंग यहाँ पे नोटिस कर सकते हो, जिसके बाद वांडा मास्टर मॉर्डो के साथ चार्ल्स एक्जेवियर को भी मार देगी। और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज अमेरिका सावेज और क्रिस्टीन पामर की वेरिएंट इस वाले यूनिवर्स से निकल लेंगे। और फिर अगर आप टीवी स्पॉट के इस सीन को गौर से देखोगे तो इसमें डॉक्टर स्ट्रेंज अपने टूटे हुए घड़ी का यूज़ करके इस डोर को ओपन करते हैं, और इसके जस्ट बाद नेक्स्ट शॉट में ये वॉच गायब हो जाता है। तो हो सकता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज को इस पॉइंट पर आने के लिए या फिर किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर जाने के लिए किसी चीज़ों का सेक्रीफाइस करना पड़ता हो जो उन्हें बहुत ज़्यादा ही प्यारी हो, मतलब करीब हो। खैर, स्पॉइलर का ध्यान रखते हुए इस टॉपिक को यहाँ पे एंड करते हैं। और वैसे भी मैं घोस्ट राइडर के कैमियोस पे बात करने आया था, तो अब इस टॉपिक पे बात किया जाए। लेकिन फिर भी अगर आप डॉक्टर स्ट्रेंज के कुछ पार्टिकुलर सीन पे थ्योरी वीडियो चाहते हो तो फिर आप मुझे कमेंट करके बताना, अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो फिर मैं वीडियो बना दूंगा। तो अब बात करते हैं घोस्ट राइडर पे। तो घोस्ट राइडर के कैमियोस के र्यूमर आज से नहीं बल्कि 2021 के अगस्त मंथ से ही आ रहे हैं, जब मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का टीजर ट्रेलर भी रिलीज़ नहीं हुआ था। और इवन इस न्यूज़ पे इनवर्स और सीबीआर जैसे वेबसाइट वालों का भी मोहर है, जिससे कहीं ना कहीं इस बात का पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाता है। और वैसे भी इस मूवी का जोनरा सुपरनैचुरल एक्शन और एडवेंचर का है, तो फिर मेफिस्टो और घोस्ट राइडर जैसे कैरेक्टर इस मूवी के लिए ऑलमोस्ट कन्फर्म ही है, क्योंकि अब मार्वल का पूरा ध्यान सुपरनैचुरल चीज़ों को एक्सप्लोर करने का है, जो मून नाइट सीरीज से स्टार्ट भी हो जाएगा। तो शायद मार्वल घोस्ट राइडर जैसे कैरेक्टर का एक छोटा सा अपीयरेंस इस मूवी में करा दे या फिर इस तरह से डाल दे। और एक रिमर के अकॉर्डिंग जब डॉक्टर स्ट्रेंज अमेरिका सावेज अलग अलग रियलिटी का ट्रेवल कर रहे होंगे तो उसी में से एक रियलिटी में घोस्ट राइडर के बाइक को दिखाया जाएगा, जिसका ग्लो येलो या फिर रेड कलर का नहीं होगा बल्कि ब्लू कलर से ग्लो हो रहा होगा। जी हाँ, घोस्ट राइडर कलर एमसीयू में येलो या फिर रेड कलर का नहीं होगा बल्कि ब्लू कलर का होने वाला है, बिल्कुल इस फोटो जैसे। और मे बी इस कैरेक्टर का रोल कोई दूसरे एक्टर करते नजर आए, क्योंकि मार्वल इस कैरेक्टर को एमसीयू में बहुत ज़्यादा ही खींचेगा, जिस वजह से कोई यंग एक्टर चाहिए। लेकिन फैन का डिमांड तो निकोलस केज का ही है, क्योंकि भले ही इनकी मूवी का प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो पर कैरेक्टर बहुत ज़्यादा ही ज़बरदस्त था और इसका एक्टिंग भी। और मैं भी चाहता हूँ कि निकोलस केज ही फिर से इस कैरेक्टर को रोल करने के लिए रिटर्न आए। वैसे आप क्या चाहते हो वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपकी ओपिनियन जानना चाहूँगा। और इस मूवी में घोस्ट राइडर के ही नहीं बल्कि सिल्वी या फिर लोकी के भी कैमियो हो सकता है, क्योंकि मल्टीवर्स की शुरुआत ही लोकी की वेरिएंट सिल्वी ने किया है, ही हु रिमेंस को मारकर। और कुछ र्यूमर के अकॉर्डिंग इस सीन में जो आप पीछे येलो कलर का ग्लो देख रहे हो वो एक्चुअली में एक पोर्टल है जो वांडा टेम्पेट का यूज करके किसी अलग रियलिटी में आई है।
और मोस्ट प्रोबेबली है कि ये इल्यूमिनाटी के हेडक्वार्टर में ही आई होगी, क्योंकि अगर आप इनका कॉस्ट्यूम इस सीन में देखोगे और फिर इस सीन में देखोगे तो दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, तो मे बी ऐसा हो सकता है। खैर, इसके बाद मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा इस सीन के डिटेल के ऊपर, तो उस वाले वीडियो को मिस नहीं करने के लिए आप चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, और हाँ, नोटिफिकेशन मिस नहीं करने के लिए आप बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल भी कर देना। तो अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और कुछ पूछना है किसी मूवी के बारे में या फिर किसी वेब सीरीज़ के बारे में तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं लगभग सब रिप्लाई देता हूँ। तो फिर मिलता है किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज़।